नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज हमारा विषय रहेगा पति पत्नी। ये पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, आज हम उस विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पति पत्नी उसे कहते हैं जो स्त्री और पुरुष जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। ये अटूट रिश्ता है और ये रिश्ता इसीलिए जोड़ा जाता है कि आने वाले समय में वो अपना वंश बढ़ाएं, आने वाले समय में एक दूसरे से प्यार करें और प्यार निभाएं, आने वाले समय में वो अपना परिवार चलाएं, आने वाले समय में वो एक दूसरे पर विश्वास करें। ये पति पत्नी का परिभाषा है। दोस्तों, आजकल के पति पत्नियों की तो बात ही अलग है। जो छोटी सी बात और थोड़ी सी गलती को सह नहीं सकते और फिर उनके बीच में दरार पैदा होना शुरू हो जाता है, उनके रिश्ते में दरार पैदा शुरू हो जाता है और उसके बाद उनके बीच में कौन कौन सी समस्या पैदा होती है, लड़ाई झगड़े की, तलाक के, मारपीट की, यहाँ तक के सुसाइड की, यहाँ तक के भाग जाना और अपने बच्चे को भी अपने पति से अलग कर देना। और इस प्रकार से रिश्ते में दरार आ जाता है और वो जो पति पत्नी का रिश्ता रहता है वो क्या होता है, टूट जाता है। और जो पति पत्नियाँ आज के ज़माने के हैं वो तो अगर थोड़ी सी भी बात बुरी बोल दिए, पत्नी को थोड़ी सी भी बात बुरी बोल दिए या पति को पत्नी ने जवाब दे दिया तो उन दोनों के बीच में एक ऐसा ईर्ष्या पैदा होता है कि वो उस ईर्ष्या को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरा शादी कर लेते हैं। अगर आप शादी नहीं किए हैं या फिर शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं तो इस शिक्षा को ज़रूर सुने। ये आपके वैवाहिक जीवन जीने का एक मंत्र है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में किस प्रकार से दोष मुक्त रह सकते हैं, किस प्रकार से आप निष्कलंकित रह सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने रिश्ते को मजबूत रख सकते हैं। और ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा सुनने के बाद लोग अगर करें तो आने वाले समय में उनका वैवाहिक जीवन एक मजबूत रिश्ता को दर्शाता है और इसका अच्छा असर जो है आपके बच्चों पर पड़ता है और बच्चे आपसे सीखते हैं। क्योंकि आजकल तो तलाक का जो फैशन चल रहा है और दूसरा लव मैरिज का, अरेंज मैरिज तो भूल गए हैं सब। यही सब कारणों के वजह से तलाक और लव मैरिज चल रहा है। तो इस शिक्षा को जरूर सुने और अपने दिमाग में ये गांठ बांध लें। दोस्तों, ईश्वर का जो डर भय मानता है उसे भली पत्नी मिलती है और भली पत्नी जो है अनमोल मणि की तरह होती है। ये अपने जीवन में पति पत्नी एक दूसरे का हक पूरा करें और जिस प्रकार से पत्नी को उसके शरीर पर उसके पति का अधिकार है, उसी प्रकार से पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार है, तो एक दूसरे का हक पूरा करें। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पति जो है वो पत्नी का सिर है और घर का मुखिया है। तो पति जो है वो मुखिया है, लेकिन पति को भी पत्नी के साथ कठोरता नहीं बरतना है। पति को अपने देह के समान, जिस प्रकार से हम अपने देह की चिंता करते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं, कुछ लग जाता है, कुछ खरोच आ जाता है, तुरंत हम उसका इलाज कराते हैं, हम अपने शरीर को नहलाते धुलाते हैं, हम अपने शरीर को बहुत प्यार करते हैं, उसी प्रकार से अपने शरीर के समान, अपने देह के समान पत्नी को प्यार करना है। और पत्नी भी अपने शरीर के समान, जैसे वो अपने शरीर को सजाती है, नहलाती है, धुलाती है, क्रीम लगाती है, कट जाने पर कुछ मलहम पट्टी लगाती है, जैसे वो अपने शरीर को प्यार करती है पत्नी, वैसे ही अपने पति को प्यार करना है।
तो पति पत्नी अपने शरीर के समान, अपने देह के समान एक दूसरे से प्रेम रखें। पत्नी और पति का जो प्यार होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा प्यार है इस दुनिया का। और मैं ये बता दूं कि अगर पति पत्नी में छोटी बातों में खिटपिट हो करके वो अलग हो जाए और वो जा करके दूसरा विवाह करे, तो वह व्यभिचार कहलाता है, वो पाप कहलाता है। या पति करे या पत्नी करे, दोनों में से कोई भी अगर अलग हो करके दूसरा शादी करता है तो वो पाप कहलाता है, क्योंकि मरते दम तक उनका रिश्ता बंधे रहता है और वो इस तरीके से पाप करके परमेश्वर के सामने पापी ठहरते हैं और परमेश्वर उन्हें दंड देता है। पत्नी को पूरे अधीनता के साथ पति के सामने उसकी शिक्षा को सुनना जरूरी है। पति के पूरे अधीन हो जाओ और पति को उपदेश ना दो और आज्ञा ना चलाओ, ये करो वो करो। पति देगा उपदेश, पति सिर है, हेड है, घर का मुखिया है। पति पत्नी एक दूसरे के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए, जो अटूट रिश्ता विवाह का है उसे बनाने के लिए एक दूसरे की गलती को माफ करें, एक दूसरे की गलती को सुधारें। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि पत्नी और पति ये दोनों एक दूसरे को अपने लिए बदले नहीं, बल्कि अपने पति के लिए एक दूसरे को बदले, अपने पत्नी के लिए बदले। मतलब वो एक दोनों दोनों व्यक्ति एक दूसरे के लिए अपने आप को बदले। उससे क्या है कि वो उनकी विश को पूरी करेगा और ये इसकी विश को पूरी करेगा। तो इससे क्या है, रिश्ता और मजबूत हो जाता है और प्रेम जो है और गहरा हो जाता है, जिससे प्रेम विवाह का जीवन जीने का मौका मिलता है। शादी, शादी जो है, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, अगर पति पत्नी एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, उसके साथ जीवन व्यापन करने का वो जो प्रेम है, अटूट प्रेम है, उसी अटूट प्रेम को अगर वो जिंदगी भर बनाए रखना चाहते हैं, तो ईश्वर के वचन को उन्हें मानना जरूरी है। और ईश्वर के जो वचन है ये उन दोनों के जीवन में एक नियम पैदा करता है, और कोई भी परेशानी उनके जीवन में आए ईश्वर उन्हें संभालता है, उनके रिश्ते को टूटने नहीं देता है, उनके जीवन को सुखद और सरल करता है, और कोई भी बात नहीं होती। प्रेम के विषय में परमेश्वर का वचन बाइबल से हमें सिखाता है कि प्रेम जो है धीरजवंत है, प्रेम जो है झुंझलाता नहीं है, प्रेम जो है डाह नहीं करता, प्रेम कृपालु है, प्रेम जो है अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम अनरीति चलता नहीं है, और प्रेम जो है फूलता नहीं है, प्रेम जो है कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम जो है कुकर्म से नहीं बल्कि सत्य से आनंदित होता है, प्रेम जो है सब बातें सहता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातें पर आशा रखता है, प्रेम जो है सब बातों में धीरज धरता है अंतिम समय तक। तो ये थी दोस्तों प्रेम की परिभाषा, जो कि बाइबल के अनुसार एक वैवाहिक जीवन के लिए बेस्ट है। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो ये सभी बातें आपके जीवन में होंगी, और ये सभी बातें होंगी तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और कोई मन मुटाव नहीं, कोई गलत फहमी नहीं, और कोई शक नहीं। प्रेम का परिभाषा ये है हमारे जीवन में। तो अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारा चैनल देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को डाउनलोड कर शेयर करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो के लिंक को शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9009838424। हमारा ईमेल आईडी नंबर है liveshow776@gmail.com। हमें मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो लाइव शो देखना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पे, इसी शो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा।
ईश्वर आप सभी को आशीष दे। गुड बाय, नमस्कार।